हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हमारा मनाली में दूसरा दिन है। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं ये वाला ब्लॉग थोड़ा लेट डाल दी हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसकी वजह से मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर रोहित क्या कर रहे हैं। यहाँ पर इतना ठंडी है ना कि हाथ पैर इतना सिकुड़ जाते हैं। यहाँ पर रोहित हाथ पैर में बॉडी लोशन लगा रहे। तो चलिए, तब तक मैं आपको बाहर का नजारा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं धूप में बैठ गई। धूप में बैठने के बाद इतना अच्छा फीलिंग आ रही थी ना, मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर व्यू है, आप लोग देख सकते हो। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस, आप लोग को ये व्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर कौन कौन जाके आ चुका है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने बालों को कंघी कर रही हूँ। और यहाँ पर धूप इतना अच्छा आ रहा है ना, मैं आप लोग को क्या बताऊँ, यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा है। तो चलिए, मैं अभी दिखाती हूँ रोहित क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, रोहित इतना सारा कपड़े फैलाए हुए हैं, मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। रिकॉर्ड है, कभी भी एक कपड़ा पहनकर और बाहर चले जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक ये 10-15 कपड़े चेंज ना कर ले तब तक ये बाहर जा ही नहीं सकते हैं। इनके कपड़े चेंजिंग की वजह से मुझे इरिटेशन होने लगती है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी कपड़ा निकाल दिए। ये कपड़ा निकालने के बाद ब्लैक वाला निकाले, पता नहीं कितना सारा कपड़ा चेंज करेंगे। तो फाइनली इनको ये कपड़ा पसंद आया और ये पहन के अभी हम लोग निकल चुके हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, अभी हम लोग लिफ्ट में आ गए और इनका मुंह देखो अभी भी बना हुआ है कि मुझे ये कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम लोग मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए हैं नीचे। तो मैं बोली कि यहाँ पर हम जाकर बैठेंगे। तो अभी देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर आ गए काउंटर पे। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैंने प्लेट उठा लिया है, प्लेट को साफ कर रही हूँ। तो यहाँ पर चलिए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या। यहाँ पर देखिए, ब्रेड है, फिर यहाँ पर क्या है, उपमा है, उपमा है, और यहाँ पर कचालू है, कचालू मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर पराठा है। तो रोहित ने मेरा ब्रेकफास्ट टेबल पे रख दिया है। और यहाँ पर देखिए, रोहित मेरे लिए ब्रेड टोस्ट कर रहे हैं। वैसे मुझे टोस्ट ब्रेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए रोहित यहाँ पर मेरे लिए ब्रेड को टोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, रोहित बटर कैसे लगा रहे हैं। बटर लगाने के बाद यहाँ पर देखिए, टोस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। और ये देखिए, हमारा ब्रेड टोस्ट हो रहा है। तो गाइस, मैं आप लोग को बता देती हूँ, रोहित को खाना बनाने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है। इनके हाथ का दाल चावल खा लोगे ना तो आप लोग याद करोगे। तो चलिए, मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ से भी उतना ही अच्छा व्यू दिखता है। तो यहाँ पर देखिए, रोहित का ब्रेड टोस्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अभी ये अपना खाना निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पराठा ले रहे हैं। पराठा लेने के बाद यहाँ पर कॉफ़ी लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। यहाँ पर देखिए, कॉफ़ी ले रहे हैं। कॉफ़ी लेने के बाद भी यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि मैं उपमा लूँ कि नहीं लूँ। वैसे तो इनको उपमा पसंद नहीं है, मुझे पसंद है थोड़ा बहुत, तो मैंने ले लिया है। तो मैंने बोला आप मत लो, मैंने लिया है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं बालकनी में। यहाँ पर हमने वीडियो शूट किया, फोटो शूट किया, फिर हम लोग रूम में आ गए। यहाँ पर मैं बोली कि रुको, थोड़ा सा मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे घूमने के लिए।